आपको यह बात जानकर के बहुत ज्यादा खुशी होगी कि भारत की एक ऐसी ट्रैक्टर कंपनी है जो 50 से भी ज्यादा अधिक देशों में और 6 महाद्वीपों में उपस्थित है। इस कंपनी की दुनिया भर में 14 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और असेंबली लाइन मौजूद है। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इस कंपनी के अलावा भारत में जितने भी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मौजूद हैं सभी को मिलाकर के भारत एक साल के अंदर 1.3 बिलियन यूएस डॉलर के ट्रैक्टर्स को एक्सपोर्ट करता है। और इस हिसाब से भारत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2.1% की हिस्सेदारी ट्रैक्टर बाजार में रखता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय कंपनी स्वराज ट्रैक्टर्स के बारे में, जिसे कुछ समय पहले पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था और इसे देश की स्वदेशी रूप से ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी भी माना गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कंपनी अब महिंद्रा ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें महिंद्रा ग्रुप एक बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, जिसकी मदद से अब भारत की ट्रैक्टर एक्सपोर्ट का जो रेशियो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, एक रिपोर्ट से पता चला है कि मोहाली के अंदर महिंद्रा ग्रुप लगभग 400 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। इस निवेश की मदद से भारत के अंदर ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता को और बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मोहाली के अंदर एक नई ग्रीनफील्ड ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। ग्रीनफील्ड से मतलब है कि यहां पर इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी ज्यादातर रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ली जाएगी। आपको बता दें कि ये यूनिट 40 एकड़ में फैली हुई है और इसमें प्रतिवर्ष लगभग 30,000 ट्रैक्टर का उत्पादन किया जाएगा। और इस यूनिट के अंदर हर साल ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाएगा और 2023 तक ये यूनिट पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगी और भारत में एक और नई मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना कंप्लीट होगी। वर्तमान समय की बात की जाए तो स्वराज भारत के अंदर लगभग 3,70,000 ट्रैक्टर एक साल के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं और इस हिसाब से पंजाब के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मौजूद है। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि स्वराज की तरफ से 50 से ज्यादा अधिक देशों और 6 महाद्वीपों में ट्रैक्टर्स की सप्लाई की जाती है और इनके दुनिया भर में 14 से भी ज्यादा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और असेंबली लाइन मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाया जाएगा कई और देशों को भी टारगेट किया जाएगा ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं लगी है तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।